मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ। हेलीकॉप्टर को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कच्ची सड़क मोहल्ला गाजावाली में आज एक अनोखी बारात देखने मिली, जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए जीआईसी मैदान में एक हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए लोग काफी नजर आए। वहां पर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने उड़ान खटोले से अपने गंतव्य की ओर रवाना हुआ। आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर की कच्ची सड़क गाजियावाली मोहल्ले से मेनपाल प्रजापति के पुत्र रितेश प्रजापति की बारात हेलीकॉप्टर द्वारा गाजियाबाद पहुंची। इस दौरान जीआईसी मैदान में हेलीकॉप्टर को और दूल्हे को देखने के लिए भीड़ उमड़ी। मुजफ्फरनगर में ऐसा पहली बार देखने मिला है जब दूल्हे की बारात हेलीकॉप्टर द्वारा गाजियाबाद आ रही है। भाजपा कार्यकर्ता सचिन प्रजापति ने बताया कि मेरा काफी समय से सपना है कि मेरे छोटे भाई रितेश की बारात हेलीकॉप्टर से जाए, और वो अपना सपना आज पूरा हो रहा है। मैं अपने पार्टी का और यहाँ के प्रशासन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा ऐसा सपना पूरा होने में सहयोग किया। इस दौरान भाजपा के विभिन्न कार्यकर्ता, सभासद विजेंद्र पाल, सभासद राजीव वर्मा, मनोज अनोज और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। जी, मेरा नाम रितेश प्रजापति। रितेश जी, आज आपकी शादी है, हेलीकॉप्टर से बारात जा रही है, क्या कहना चाहिए? बहुत गर्व महसूस हो रहा है और काफ़ी अच्छा माहौल है, सब में उत्साह है और नगर और आसपास के क्षेत्र को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कहाँ से आपकी बारात जा रही है और कहाँ पे जाए? हमारी बारात कच्ची सड़क मुजफ्फरनगर से जा रही है और ये बारात गाजियाबाद राजनगर एक्सटेंशन के लिए यहाँ से निकलेगी। तो कब वापस आएगी? हम कल सुबह 10:30-11 बजे के आसपास इसी जगह इसी हेलीपैड पर उतरेंगे। किस तरह की भीड़ आपको देखने के लिए? काफ़ी भीड़ है और लोगों में काफ़ी उत्साह है, अच्छा लग रहा है देख के। जी, मैं मेनपाल प्रजापति आज अति उत्साहित हूँ। मेरे बेटों ने बड़ी मेहनत करके ये मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया। आज मैं अपने बेटे की बारात हेलीकॉप्टर से लेकर जा रहा हूँ। शासन और प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ और माननीय मंत्री जी कपिल देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने हमें बहुत साथ लगाया और सहयोग किया, इसके लिए मैं रितेश।